स्टैंड, ये जो मैंने आपको वन टू करवाई थी कि आपने अलग पेज पे करना है, और ये जो 3-4 मैं करवाऊंगी आपको अभी, ये आपने आगे वाले पेज पे करना है। यानी ये सारा काम आपने एक ही पेज पे राइट नहीं करना, आपने 1 और 2 एक पेज पे लिखना है, 3 और 4 आपने अलग पेज पे लिखना है, आगे वाले पेज पे लिखना है। चलिए नंबर 3 पढ़ते हैं हम अपना। हज़रत नूह अलैहि सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ी काटनी शुरू कर दी। अब इसे अल्फाज में देख, इस लाइन में देखिए कौन से अल्फाज हैं जिसकी जमा बना के आपने लिखनी है, कलर से कौन सा अल्फाज लिखा हुआ है, लकड़ी और कर दी, यानी कि हमने सिर्फ इन्हीं की ही जमा बनानी है नीचे, और बाकी किसी लाइन को किसी अल्फाज को हमने कुछ नहीं करना। आंसर है इसका, हज़रत नूह अलैहि सलाम ने जंगल में जाकर, या आपने पेंसिल से राइट किया, फिर आपने लकड़ी की जमा क्या होगी गाइस, लकड़ियां काटनी शुरू, या आपने भी पेंसिल से राइट किया, उसके बाद आपने कर दी कलर से लिखा हुआ, तो इसलिए हमने कर दी की जमा बना के नीचे लिए राइट करना है, तो कर दी की जमा क्या होगी, कर दी। तो आंसर हमारा हुआ, हज़रत नूह अलैहि सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। नंबर 4, कुछ लोग मकान की छत पर चढ़ गए। उसमें कौन कौन से अल्फाज है जिसकी आपको जमा बना के लिखनी है और कलर से लिखा हुआ है, मकान और छत, यानी कि 2 अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आपने नीचे जमा बना के लिखनी है, बाकी अल्फाज आपने उसी तरह ही राइट करना है पेंसिल से। आंसर क्या बनेगा इसका, कुछ लोग मकान जो है ये कलर से राइट हुआ है, इसलिए हमने इसकी जमा बनानी है, मकान की जमा क्या होती है क्लास, मकानों की हमने पेंसिल से राइट किया, छत छत कलर से राइट हुआ है, इसके मतलब क्या है कि इसकी आपने जमा बना के लिखनी है, छत की जमा क्या होगी, छतों, छतों पर चढ़ गए, ये पर चढ़ गए आपने पेंसिल से राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपके क्या आंसर बना आपका, ये पूरी लाइन क्या है आपकी, कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए जी। ये मैंने क्लास आपको जो रिवर्स करवाया है, जहां जहां मैंने कलर से लिखा है आपने भी उसको कलर से ही राइट करना है, नीट एंड क्लीन सबका काम होना चाहिए, बहुत खूबसूरत, एक ही पेज में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे कि चारों आप एक ही पेज में लिख लें, क्योंकि ये एक लाइन की 2 लाइन्स है, यानी एक लाइन क्वेश्चन की है तो एक उसको सही करके जमा बना के लाइन लिखी है, तो इस तरह ये लाइन्स आपकी ज्यादा होगी, तो इसलिए आपने इसे 2 पेज पे वर्क करना है। चले हम अपनी डायरी की तरफ आते हैं। ओके स्टाइल, डायरी नोट करें अपनी, लर्न एंड राइट CW चैप्टर हज़रत नूह अलैहि सलाम की कहानी, ये जो भी मैंने आपको वर्क करवाया है आपने इस वर्क को लर्न भी करना है और राइट भी करना है गुड राइटिंग में। और चैप्टर कौन सा था जिसका मैंने आपको काम करवाया है, हज़रत नूह अलैहि सलाम की कहानी का, इसके आपके अल्फाज मायने क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुकी हूँ, उसके बाद ये वर्क आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए सबका, सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।